गाइस सॉरी, थोड़ा सा हमारी भाभी के हाथ में दर्द हो गया था, क्योंकि हमारी भाभी बहुत मेहनती है, बहुत काम करती है सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, जाओ फिर। बाय बाय नित्या, बाय भाभी, बाय। काम की शिवा ने पूजा की फ्रेंड है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि पूजा की फ्रेंड होगी, ऐसा लगता है मेरी फ्रेंड होगी, मतलब बहुत फ्रेंकली है, बहुत अच्छी है। और चार साड़ियां दे बस, जो आप प्यार से खिला दो। नहीं फिर भी कोई ख्वाहिश, हाँ, हमारी भाभी सब कुछ अच्छा बनाती है, तो हमें ऐसे कोई स्पेशल डिमांड है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है सरोज और स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल सरोज ढोंडियाल ब्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करने हूँ मैं मॉर्निंग के 7 बजे से, और अभी हमारा नहाना धोना हो गया है, नाश्ता मैंने अभी बनाने के लिए रख दिया है, और आज बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। बाकी नित्या भी उठ चुकी है, बाकी सब लोग उठ चुके हैं, और आप लोगों को ना एक बात बताऊँगी, आज हमारे घर में कोई आया है, तो आज आइए हमारे घर में पूजा की फ्रेंड। पूजा की फ्रेंड टीजी रहती है टीजी चंबा बाजार में, तो वो भी TIGC में काम करती है, जहाँ पूजा पहले ट्रेनिंग करती थी, तो वो उसकी शादी है अक्टूबर में, तो वो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए यहाँ आई है। तो अभी मैं नाश्ता बना लेती हूँ, फिर मिलाती हूँ आपको पूजा के फ्रेंड, उसका नाम है शिवानी, और वो आज ही रह सकती है शायद। तो मैंने नाश्ता बना दिया है और अब मैं उन लोगों को नाश्ता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इन दोनों के लिए नाश्ता ले आई हूँ, ये है, अब मिलाती हूँ आपको पूजा की फ्रेंड शिवानी आ रखी है। हेलो गाइस, और ये है पूजा, और दोनों खा रहे हैं पराठे, ये देखिए। भाभी ने आज हमारे लिए आलू के पराठे बनाए, जो कि कैसे हो गए पराठे, बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, इतने अच्छे पराठे मैंने आज तक कहीं नहीं खाए। अगर आप लोगों ने खाए तो आपको पता चलेगा कि ये किसी 5-star होटल और किसी ढाबे से कम नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। और ये पूजा क्या बोलना चाहेगी पराठों के बारे में? पूजा को पराठे इतने अच्छे लगे कि वो कुछ बोल ही नहीं सकती, वो खाने पे ज्यादा फोकस कर रही है ताकि उसका पराठा पीछे ना रह जाए। तो ये पूजा की फ्रेंड है शिवानी, यही पूजा के साथ काम करते हैं वहाँ TLTC में, टिहरी में। पूजा तो अब हो गई है रिटायर, लेकिन ये अभी भी है वहाँ, इनकी शादी है, तो शादी की शॉपिंग के लिए आई है देहरादून, और आप सब मेरी शादी में जरूर जरूर आना। थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे हम तो। और आप लोगों को ना एक बात बताऊंगी, शिवानी पूजा की फ्रेंड है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि पूजा की फ्रेंड होगी, ऐसा लगता है मेरी फ्रेंड होगी, मतलब बहुत फ्रेंकली है, बहुत अच्छी लड़की है। अब ये जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, शाम को आएंगे तब मिलाऊंगी आपको इनसे। ठीक है, जाओ फिर। बाय बाय नित्या, बाय भाभी, बाय। क्या यहाँ देखे नित्या छत में जाने के लिए बिल्कुल तैयारी कर रही है अपनी, छत में क्यों जा रहे हो, नीचे आओ नीचे आओ नित्या। तो वो लोग तो चले गए हैं देहरादून शॉपिंग करने के लिए, और अब मैं बना रही हूँ दिन का खाना, आज बन रही है मुझे की खिचवाड़ी, और खाना मैंने बना दिया है, और बाकी खाना बनाने के मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ घर में, तो एक आदमी फोन में करने के लिए भी चाहिए। और बाकी और आज की मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम थोड़ा अजीब सा हो रखा है, ना धूप है ना बारिश है, मतलब कह नहीं सकते, उसी टाइम धूप आ रही उसी टाइम बारिश आ जा रही, बूंदे पड़ी हल्की हल्की। हम खाना वाना खाते हैं, और नित्या के पापा भी आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो मैं मिलती हूँ आपको सीधा शाम को। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आपको सीधा शाम को, और अभी मैं भी गई थी मार्केट, और ये शिवानी और पूजा भी आ गए हैं मार्केट से, ये क्योंकि देहरादून गए थे तो इन्हें बहुत टाइम लग गया वहाँ, तो आजकल भीड़ भड़ा का बहुत रहती है, गर्मी बहुत है, तो ये भी आगे रिलैक्स कर रहे थे, तो शिवानी लेट रखी है और पूजा हम बैठ रखी है, और मैं भी मार्केट गई थी कुछ सामान लेने का घर का ही, तो इसलिए मैंने भी चेंज वेंज किया, और नित्या गई है बगल में घूमने के लिए, और अब मैं बनाऊंगी खाना। क्या खाओगे यार? जो आप प्यार से खिला दो। नहीं फिर भी कोई ख्वाहिश, हाँ, हमारी भाभी सब कुछ अच्छा बनाती है, तो हमें ऐसे कोई स्पेशल डिमांड है नहीं कि हमें ये खाना है, क्योंकि इनके हाथ में जादू है, जादू किसी का पेट भर रखा होगा। तो ये सब ना मजाक कर रहे हैं, आप बिल्कुल सीरियस मत लेना। नहीं नहीं, हम सीरियसली बोल रहे हैं, किसी किसी का पेट भर रखा होगा इसलिए वो कुछ नहीं बता। ये लोग फास्ट फूड खा के आ रखे हैं शायद बाहर से, तो कोई बात नहीं, घर का भी खाना खा लेंगे थोड़ा सा। तो आज मैंने चने भिगा रखे थे, चने रख सकते हैं गैस पे, तो अब मैं खाना बनाती हूँ, और ये लोग लाए हैं बाहर से कोल्ड ड्रिंक और जलेबी, और जलेबी लाए हैं, तो अब जलेबी खाते हैं सब, और कुरकुरा भी, और कुरकुरा भी लाए हैं। मैं लाती हूँ बाहर पर, रखी है जलेबी, मैं ले आया जलेबी बाहर से, देखिए कितनी अच्छी लग रही है जलेबी, आप लोग खा सकते हो, ये लो खाइए। आप लोगों ने खा ली? हाँ मैं खा ली।
इन लोगों ने बाहर पे खाई थी। अब पूजा भी तो दांत में दर्द हो रहा था कुछ दिन से पहले, तो अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो इसे मीठा नहीं खाना है। और शिवानी ने खा ली, बाकी सब ने खा ली, नित्या के पापा ने खा ली और नित्या के लिए मैंने रख दिए इस पैकेट में। बाकी अब मैं खाती हूँ, देखती हूँ कैसी हो रही है। कैसी हो रही है भाभी? अच्छी हो रही है, बहुत सुंदर, बहुत मीठी हो रही है। यस मीठी हो रही है, लेकिन मैं भी खा सकती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि चाय बनाऊंगी फीकी चाय, क्योंकि फीकी चाय के साथ अच्छी होती है जलेबी। गर्मी में चाय नहीं पी रहे हैं लोग, ये देखिए शिवानी कोल्ड ड्रिंक लाई है। अब मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं हूँ रात को, तो इसलिए मैं थोड़ी चाय बना दूंगी अपने लिए और ये खा लेंगे इसके साथ। तो शिवानी से पूछते हैं कि वो देहरादून गए थे तो उन्होंने वहाँ क्या क्या शॉपिंग की, क्योंकि कुछ नहीं किया, इतनी गर्मी हो रही थी ना वहाँ। ये देखो मेरे दाने कैसे निकल आ गए गर्मी के कारण। हमने वहाँ कुछ भी नहीं किया, हम गए बस, बस में बैठ के वापस आ गए। ब्लाउज दे दिया, हाँ ये शादी का लहंगा ले रखा था ना शिवानी ने, तो वहाँ टीरी में तो है नहीं ऐसे अच्छे टेलर, उसके लिए अच्छा टेलर चाहिए, तो देहरादून में अच्छे अच्छे टेलर है, तो वहाँ देके आ गए हैं ब्लाउज का नाप और ब्लाउज और शॉपिंग नहीं की। सूट अभी हमने बस ज़्यादा कुछ नहीं दिया, दो सूट, दो साड़ी और दो टॉप लिए पूजा ने और दो जीन्स लिए, बस और कुछ नहीं दिया हमने, नहीं दिया। हाँ आजकल गर्मी का मौसम हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, तो इतनी देर वहाँ रहा नहीं जाता, फिर तभी आएगी शिवानी फिर आना। हाँ अब मैं जब मेरा ब्लाउज ले जाएगा तो मैं दोबारा से आऊँगी, फिर भाभी मैं और पूजा हम तीनों घूमने जाएंगे। हाँ फिर मिलाऊंगे आपको। और अभी हमने एक सरप्राइज ट्रिप प्लान की है जो कि आपको तब पता चलेगी जब हम चले जाएंगे। हाँ और फिर मैं आपके लिए सरप्राइज है, ठीक है, जब मैं भी जाऊंगी शिवानी की शादी में तब मिलाऊंगी आपको। शिवानी कैसे लग रही है, क्या क्या होता है पहाड़ों की शादी, और जो लोग पहाड़ी नहीं है या गढ़वाल से नहीं है उनको भी हम पहाड़ी शादी दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो गाइज अगर आपको हमारी भाभी का चैनल पसंद है और हमारी भाभी की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से ही हमारे जो वीडियो बनाते हैं उनको मोटिवेट होते हैं और वो और अच्छी वीडियो बना पाते हैं। इसलिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी भाभी की वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू शिवानी, और शिवानी की शादी है अक्टूबर में, तो तब तक 1K मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। अब शिवानी ने बोल दिया तो पक्का 1K कर देना तब तक शिवानी की शादी। देखो गाइस आप लोगों को, देखो गाइस आप लोगों को मेरी इज्जत रखनी है तो प्लीज अभी रातों रात। इसकी कोई इज्जत नहीं है मेरे को पता है। ये कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं तो आपस में चलता रहता है फ्रेंड में मस्ती मौज मस्ती। तो क्या है शिवानी यहाँ आई है, मैं और पूजा था अकेले रहते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि शिवानी आई है। मैं तो कह रही हूँ यही रहे कुछ दिन, अच्छा लगेगा, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है, बाकी अकेले अकेले तो ऐसे हो जाता है इंसान की, बस घर का काम करो। और मैं और पूजा भी कब तक बातें करेंगे, क्योंकि आप पूजा में तो साथ ही रहते हैं, तो कोई और आता है तो अच्छा लगता है। बात की भी तो इंसान से जाती है, वैसे जानवर के साथ से बात में क्या कर सकता है कोई। कैसा लगा सभी दोस्तों भाई बहनों से, सागर नमन, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस पागल को सपोर्ट ना करें। आप लोग तो जानते हैं कि पूजा का चैनल भी है पूजा ढंडियाल ब्लॉग, तो उसे भी बिल्कुल सपोर्ट करिएगा, मुझे मत करना फिर लेकिन पूजा को जरूर करना। देखो गाइस ये होती है संस्कारी पहाड़ी भाभी, जो भाभी हमारी इतनी अच्छी है कि हमें हमारी तरक्की देख रही है। नहीं शिवानी का चैनल भी है यार, मेरा चैनल आएगा जब मेरी शादी हो जाएगी शिवानी, तब से स्टार्ट करेगी ब्लॉग बनाना, झाड़ू बर्तन पोछा मैं आपको सब दिखाऊंगी, ऐसे 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 सब। मौज मस्ती तो होती रहती है, आप लोग बिल्कुल भी अवॉइड करना, ये लोग ऐसे बोलते हैं। अरे गाइस जोक्स अपार्ट, लेकिन हमारी भाभी को आपने रातों रात एक के सब्सक्राइबर रातों रात सुपरस्टार बना दिया। गाइज सॉरी थोड़ा सा हमारी भाभी के हाथ में दर्द हो गया था, क्योंकि हमारी भाभी बहुत मेहनती है, बहुत काम करती है सुबह से लेकर शाम तक, ऊपर से नित्या के साथ भी भाग दौड़ लगी रहती है। तो प्लीज़ आपसे सीरियसली एक रिक्वेस्ट है कि भाभी का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया है और जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक्स नहीं दिए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ प्लीज़ गाइज करें। गाइज भाभी ने देखो दिया बत्ती भी कर दी है वहाँ, तो गाइज मैं कैमरा फेस कर रही हूँ, कुछ दिनों के बाद गाइस हमारा ब्लॉग भी आएंगे, हमारे ब्लॉग भी आएंगे, तो प्लीज पहले मेरी तारीफ कर, पहले आप भाभी के ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, फिर हमारे ब्लॉग को भी सपोर्ट करना है ऐसे ही।